वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। तो हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय आयुष कामनी अध्याय की बात कर रहे थे। हमने इससे पहले चार वीडियोस देख लिए हैं, अब आगे हम फिफ्थ वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम विधि विपाक और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और रोग क्या होता है, रोग के प्रकार कितने और रोग अधिष्ठान कितने और मानसिक दोष कितने हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विधि का वर्णन, विधि क्या होता है आपको ये आगे वाले चैप्टर्स में आगे जब आप शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ोगे या आगे अष्टांग हृदय के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको उसमें डिटेल से बताया गया है कि विधि क्या होता है, उसकी परिभाषा मैं आपको वहाँ बताऊंगी। बट यहाँ आप ये समझ सकते हो कि जो भी औषधियाँ हैं, जो भी वस्तुएँ या संसार में जो चीज़ें हैं ना, आयुर्वेद में क्या है उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, दो विधियों में, या तो वो उष्ण होगा या शीत होगा। ठीक है, तो या तो कोई वस्तु शीत हो सकती है या वो उष्ण हो सकती है, तो इसलिए उस हर चीज़ को दो विधि में डिवाइड किया गया। तो वही को आप उसे विधि समझ सकते हो अभी ऊपर। आप यहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है कि विधि कितने प्रकार के होते हैं और विधि टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, उष्ण शीत गुणोत्कर्ष तत्र वीर्य दुधास्मता, मतलब उष्ण और शीत गुणों के अनुसार वीर्य दो प्रकार के होते हैं, या तो उष्ण वीर्य या शीत वीर्य। लेकिन कुछ आचार्य आठ भेद मानते हैं वीर्य के, जो है मृदु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष उष्ण शीत। ठीक है, तो आपको ये आठ इजीली हो जाएंगे, ऐसे आपको ये आठ अभी याद नहीं रखते, आपको तो ये दो याद रखो, आप तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे आगे और डिटेल में पढ़ने के लिए आप ये आठ याद रख सकते हो। ठीक है, और आप आगे पढ़ोगे तो आपको याद रखने करने पड़ेंगे। तो आपको एक सिंपल, आपको ये पूरे याद नहीं हुए ना आठ, तो आप ये चार याद कर लें। ठीक है, मधु गुरु स्निग्ध उष्ण, तो आप जब ये चार याद कर लोगे तो क्या होगा कि आप इनके जो अपोजिट रहेंगे ऑलमोस्ट वही सारे आठ, वो जो आपको चार हैं वो हो जाएंगे। तो जैसे मधु का तीक्ष्ण, मधु मतलब सॉफ्ट, तीक्ष्ण मतलब सार, गुरु का हैवी, और गुरु का अपोजिट क्या होता है, लघु लाइट। ठीक है, स्निग्ध मतलब स्निग्ध जो होता है ना एकदम स्मूथ बोल सकते हो आप उसे, तो या सॉफ्ट वो जो बोलते हैं चिकना उसे स्निग्ध, स्निग्ध का क्या रुक्ष खुरदरा मतलब जो बहुत रुक्ष होता है ना एकदम ड्राई उससे बोल सकते हो ड्राई, और उष्ण गर्म उष्ण गलता शीत। तो आपको ये चार याद रख लोगे तो आपको ये आठ भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आपको याद रखने क्या सिर्फ उष्ण वीर और शीत वीर, अष्टांग हृदय ने उष्ण और शीत वीर माना है, बाकी अलग आचार्यों ने आठ वीर माने हैं। ठीक है, विपाक, यहाँ भी आप विपाक बोलोगे विपाक क्या होता है, तो विपाक भी आप आगे जाके इस टर्म्स को अच्छे से पढ़ोगे कि विपाक होता है क्या। मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में ये बता दूँ विपाक क्या हो, जब हम जो रस, आपको छह रस बताए थे मैंने षट रस, तो वो छह रसों का जब पाचन होता है ना तो उसके बाद विपाक बनता है। ठीक है, तो उन सभी रसों का अलग अलग पाचन करके अलग प्रकार का विपाक बनता है। तीन विपाक तीन प्रकार के होते हैं, त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटु आत्मकम। ठीक है, मैंने आपको बताया स्वादु को मतलब स्वादु को हम मधुर भी बोलते हैं, मधुर को ही स्वादु बोलते हैं, तो स्वादु अम्ल कटु ये तीन विपाक होते हैं। तो ये तीन विकार जब रस का पाचन होता है ना तो अलग अलग रस से अलग अलग विपाक बनता है। तो ठीक है, तो अब ये तीन विपाक आपको याद रखने, मधुर अम्ल कटु। ठीक है, अब जब आप याद रखे तो क्रम से अगर आपको रस के नाम याद है ना तो आप ये भी विपाक भी इजीली याद कर सकते हो। कैसे, क्रम से रस क्या थे, मधुर लवण अम्ल तिक्त कटु कसा, ये क्रम है रसों का। ठीक है, आपको क्रम याद रखना है रसों का, तो जो मधुर और लवण रस होते हैं ना उसके पाचन से या उसके पाक से मधुर विपाक बनता है। ठीक है, अम्ल रस के पाक से ऑब्वियसली अम्ल विपाक बनता है, अम्ल रस अम्ल विपाक, और तिक्त कटु कसा इन तीनों के विपाक से, रस के विपाक से हमें कटु विपाक मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, आगे जाके अलग अलग आचार्यों ने किसी ने दो दिए किसी ने तीन दिए, लेकिन आपको अभी याद रखना है कि अष्टांग हृदय में तीन विपाक बताए गए हैं और दो विधि बताए गए हैं। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे आप द्रव्यों के गुण। तो मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने आपको जब गुरु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध ये बताया हूँ तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये होते हैं गुण। तो द्रव्य के बीज होते हैं, बीज गुणवादी गुण बोलते हैं इनको। ये आप पदार्थ विज्ञान में और डिटेल से पढ़ोगे, गुण का एक अलग चैप्टर है पदार्थ विज्ञान में, तो आप उसे अच्छे से पढ़ोगे उसमें। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कोई भी द्रव्य होता है वो बीज गुणों में से
किसी ना किसी गुण उसमें विद्यमान होगा। ठीक है, तो वो 20 गुण क्या क्या होते हैं ये इसमें श्लोक में दिया गया है। अगर आप ये श्लोक याद कर लोगे ना तो आपको 20 गुणों के नाम याद हो जाएंगे। तो आपको ये श्लोक याद करना है, ये एग्जामो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ विज्ञान में भी आएगा, अष्टांग में भी आ रहा है, आगे भी आपको जब गुण आएंगे तो उसमें भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आप यही याद कर लीजिए। ठीक है, तो गुरु मंद अब बहुत बहुत ईजी है, बस ना सबके नाम दिए हुए हैं। आप सोच रहे हो कितना बड़ा श्लोक है, एकदम इतना इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सब गुणों के जो नाम दिए हुए हैं और उनको एक साथ चिपका के लिख दिया तो आपको एक बड़ा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मधु स्थिरा। एक और पढ़िए मेरे साथ, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मधु स्थिरा। ठीक है, अब एक दूसरा लाइन, गुणा सूक्ष्म विशद विषयंती स विपर्याय। गुणा सूक्ष्म विशद विषयंती स विपर्याय। विषयंती का मतलब क्या होता है 20, और स विपर्याय का मतलब होता है उनके विपरीत। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो दिए गए हैं ये 8 गुण दिए हुए हैं। आप गिनो बल सक, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये दिए हुए हैं, 9 और 10 ये दो ये दिए हुए, ये टोटल कितने हुए 10। विषयंति स विपर्याय, अब ये जो स विपर्याय का मतलब जो 10 ये दिए हुए ना उनके ही जो विपरीत हैं वो मिल, जब ये 10 गुण है ना उन 10 गुणों के विपरीत जो गुण है उन दोनों को मिला देंगे तो हम 20 गुण हो जाएंगे। तो कैसे, अब मैं आपको उसका टेबल है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है टेबल, जो मैंने आपको श्लोक में जो 10 गुण थे वो एक गुण ये रहे, ये वो सारे 10 गुण हैं, और इनके जो अपोजिट हैं वो ये हैं, ये 10। तो आपको अगर ये याद रख लोगे आप तो उनका अपोजिट भी आपको याद रह जाएगा। आप बचपन से हिंदी बोल रहे हो ना तो आपको ऑलमोस्ट सब आपने कहीं ना कहीं यूज़ करा ही होगा एक ना एक वर्ड, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि इसका अपोजिट ये होता है। देखिए, आप खुद देख लीजिए, गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है भारी, हैवी। ठीक है, गुरु का उल्टा क्या होता है लघु, हल्का। ठीक है, मंद, मंद का मतलब धीमा, स्लो, बोलते ना कितना मंद बुद्धि है, कितना स्लो इसकी प्रोसेसिंग पावर है, तो मंद धीमा। उसका उल्टा क्या होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तेज, तीखा तेज। ओके, शीत, ठंडा शीतल। उसका उल्टा क्या होता है उष्ण, गर्म। स्निग्ध, स्निग्ध क्या होता है चिकना, चिकना या ना जैसे घी स्निग्ध होता है, तेल स्निग्ध होता है, चिकना जो होती है वो चिकनाहट वाली चीज़ वो हो गया स्निग्ध। और उसका उल्टा क्या होगा रुक्ष, जैसे ड्राई, ड्राई बोलते हैं ना उसे रुक्ष बोलते हैं। ठीक है, संरक्षण, संरक्षण मतलब साफ, जो होते हैं साफ चमकीली चीज़ होती है उसे संरक्षण बोलते हैं। खर का मतलब क्या खुदरी, अगर ये साफ और चिकनी है तो इसका जो उल्टा हो गया खर खुदरी। सांद्र, सांद्र मतलब गाढ़ा, जैसे कोई इतना कितना कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन का जानता है तो उसे सांद्र बोलते हैं, जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन तो गाढ़ा, और लो कॉन्सेंट्रेशन द्रव्य मतलब लिक्विड है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो लिक्विड ही रहेगा ना, तो पतला। फिर मधु, मधु मतलब कोमल सॉफ्ट, उसका उल्टा क्या हो कठिन मतलब हार्ड, कितना हार्ड है कठोर। स्थिर, स्थिर मतलब अचल मतलब इनमूवेबल, और सर मतलब चल मूवेबल। सूक्ष्म मतलब बारीक छोटा, ठीक है, और स्थूल मतलब मोटा या बड़ा बृहद, और विशद मतलब टूटने वाला। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब दस लचीला चिपचिपा, जैसे होता है ना कि बलगम चिपचिपी होती है वैसे ही चिपचिपा। तो ये 20 गुण है, आपको अगर वो श्लोक याद हो जाएगा तो आपको ये आगे के 10 श्लोक याद हो, 10 गुण याद हो जाएंगे, और 10 गुण याद हो गए तो आपको ये 10 गुण भी याद हो जाएंगे इजी, और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो आप वो श्लोक याद कर लेना। लोक एवं आदो के कारण, काले अर्थ कर्मानाम योगो हीन मिथ्या अति मात्र का समयोगश्च विज्ञाने रोग आरोग्य कारण। ठीक है, तो काल, इसमें जो है काल, अर्थ और कर्म, इनके हीन मिथ्या और अति योग से क्या होता है रोग उत्पन्न होते हैं। काल, अर्थ और कर्म के हीन मिथ्या और अति योग से रोग उत्पन्न होते हैं, और इनके सम्यक योग, सम्यक योग से हमें आरोग्यता या स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो काल अर्थ कर्म होते क्या है, तो काल क्या होते हैं, जैसे आयुर्वेद में कोई भी काल है, 3 काल, शीतकाल, वर्षा काल, उष्ण काल, या कोई भी समय है तो उसके अकॉर्डिंग हम काल को मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम काल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज है, जैसे शीतकाल में अगर हम हीन योग मिथ्या योग अति योग, शीतकाल में जो हम आहार वहार करते हैं अगर वो हम कम करेंगे
तो सिर्फ तो भी हमें रोग होंगे, अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो भी हमें रोग होंगे, या हम गलत तरीके से आहार व्यवहार करेंगे तो भी हमें रोग होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप अब जॉगिंग करते हो, तो आप जॉगिंग नहीं, ये तो आप आगे बाद में मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले फिर पहले अर्थ क्या होता है वो भी बता देती हूँ। कर तो अर्थ क्या होता है, यहाँ पे अर्थ का मतलब कुछ कुछ लोग सोच सकते हैं अर्थ का मतलब मनी से या पैसे से मान सकते, पर ऐसा कुछ नहीं। अर्थ का मतलब है कि हमारी पांच ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, आपको पता होगा, नेत्र, आंखें, कर्ण, कान, ग्राण, जी नाक, जीभा, टंग जो भी, और त्वचा, ठीक है, स्किन। तो ये हमारी पांच ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। अब पांच ज्ञान इंद्रियाँ क्या, जो जो पांच विषय ग्रहण करती हैं ना, तो पांच विषय क्या क्या हैं, रूप, स्पर्श, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श। नेत्र इंद्री रूप ग्रहण करेगी, कर्ण इंद्री शब्द ग्रहण करेगी, और घ्राण इंद्री गंध ग्रहण करेगी, और जीभा स्वाद, और त्वचा स्पर्श ग्रहण करेगी। आप ये पदार्थ विज्ञान में भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो विषय हैं इनको ही अर्थ बोला गया है, ठीक है, इनको ही अर्थ बोला गया है। तो जो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय होते हैं पांच, उनको ही अर्थ बोला गया है। तो आप अगर अर्थों का हीन मिथ्या अतियोग करते हो तभी भी आपको रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप शब्द शब्द से लेते हैं, आप कुछ सुनते हो तो अगर आप बहुत हल्का कोई बोले तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, बहुत तेज आपके कान में जाके कोई बहुत तेज बोल दे तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोला उसने, एकदम कान सुनने पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप हीन मिथ्या अतियोग करोगे तो भी रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो अभी भी आपको नहीं दिखेगा, आप बहुत पास से देख रहे हो तभी भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। या आप क्या कहते हैं, एकदम आप सूरज की तरफ, एक चमकी बहुत चमकीली चीज की तरफ देख रहे हो तो आपकी आंखों में दर्द होगा, तो क्या हीन मिथ्या और अतियोग है ये, ठीक है। उसके बाद कर्म, कर्म क्या होता है, कोई भी कार्य करना, बोलना, चलना, दौड़ना, जो भी हम कार्य करते हैं ना वो सब कर्मों में आते हैं। तो कर्म का हीन मिथ्या होती हो क्या, कैसे होता है, जैसे कि आप समझो कोई जॉगिंग कर रहे हो आप, तो अगर आप बहुत दि आप दिन में अगर आप बहुत कम चलोगे, आप चल ही नहीं रहे, या 5-10 मिनट चलते हो आप पूरे दिन में, तो आपको उससे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, आपका शरीर मोटा होगा, स्थूलता आएगी, और सब जो भी ऑर्गन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। या आप बहुत ज़्यादा चलते हो, मैं दिन में 2-2 घंटे चल रहे हो आप, 5-5, 10-10 किलोमीटर आप दौड़ रहे हो, या आपको बहुत वर्कआउट कर रहे हो, तभी भी आपको प्रॉब्लम होगी, तभी भी आपका शरीर कमज़ोर होगा, दुर्लभ होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। या आप क्या गलत तरीके से चल रहे हो, या आप उछल चल के चल रहे हो, या आप जो भी गलत तरीके से आप कोई कार्य कर रहे हो तो मिथ्या योग हो जाएगा, तो उससे भी आपको डिसीज होंगी, कहीं आपका पैर मोड़ सकता है, मोच आ सकती है, या आप गिर सकते हो, तो वो भी एक तरह से मिथ्या योग है। तो आपको यही काल, अर्थ और कर्म, अगर इनका अति हीन मिथ्या और अति योग होने हुआ तो हमें रोग की उत्पत्ति होती है, और अगर इनका सम्यक योग होगा तो आपको कोई रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। आप अपनी काल के अनुसार आहार विहार करेंगे, अच्छी तरीके से नेत्र को, नेत्र, कान, घ्राण, जीवा, त्वचा, इन इंद्रियों को अच्छी तरीके से आप उनके विषयों को ग्रहण करवाओगे, या आप क्षमता अनुसार कार्य करेंगे तो आपको कोई डिसीज ही नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे शरीर आपका। तो यही है अतियोग, अधिक संयोग होना अधिक मात्रा में, मतलब किसी चीज का अतियोग होना, अहीन योग कम मात्रा से संयोग होना, और मिथ्या योग अनिष्ट कारक संयोग से मिथ्या योग, अनिष्ट वाला मतलब जो गलत कारण है उनसे संयोग होना, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ लेक्चर था, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगी, बस एक एक और दो वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, किसी भी किसी अलग सब्जेक्ट का भी, पदार्थ विज्ञान, शरीर क्रिया, संरचना शरीर, या किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक सब्जेक्ट ख़त्म हो तो उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और मुझे भी अपना पढ़ना रहता है इस चक्कर में। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ आप उसे सजेस्ट करें, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको ज़रूर 2-3 दिन में आपको रेडी करूँगी। तो बस इतना ही। श्लोक नंबर 19, तो हमने इसमें क्या है, रोग आरोग्य के भेद। तो रोग और आरोग्य किसे बोलते हैं, रोग आरोग्य की हम किससे किससे तात्पर्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा जो आयुर्वेद है उसका जो सेंटर है वो दोषों पे
फोकस है। हर चीज़, हर जो बीमारी है वो दोषों से ही मानी जाती है, ठीक है। दोषों को ही शरीर का मूल बताया गया है। तो अगर दोष, अब इस श्लोक में क्या है, रोगस्तु दोष वैशिष्यम दोष साम्य आरोग्यता, मतलब अगर दोष विषम अवस्था में रहेंगे तो रोग उत्पन्न होंगे, और अगर रोग दोष साम्य अवस्था में रहते हैं तो आरोग्यता का कारण बनते हैं। आरोग्यता मतलब सुख का, आरोग्यता मतलब स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। तो और वैसे मैंने आपको बताया था, विषमता का मतलब क्षय से भी ले सकते हैं और वृद्धि से भी ले सकते हैं। तो किसी प्रकार के दोषों में क्षय या वृद्धि होने से रोग उत्पन्न होता है, और उनमें समवस्था होने से आरोग्यता उत्पन्न होती है। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप इसे किसी भी, कोई भी अगर आपका दोष क्वेश्चन आया ना, तो आप उसमें अच्छे से डाल सकते हो। और अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप जितने श्लोक आपको याद होंगे, तो आप इजी श्लोक याद करने की कोशिश करो, जिससे क्या है, आप उन श्लोकों को एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली श्लोक क्या होते हैं, एक जिससे आप कोई फॉर्मूला याद कर दो ना, फॉर्मूला या ट्रिक, तो मैथ में या किसी भी चीज़ में, तो वैसे ही यहाँ आयुर्वेद में श्लोक क्या है, एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है। आपको अगर एक लाइन का श्लोक याद होगा तो आप उसके बारे में बहुत कुछ, एक हिंट की तरह, हर एक वर्ड्स में एक हिंट की तरह दिया हुआ है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आप उसे और इलेबोरेट कर सकते हो। तो श्लोक आप फोकस करें कि आप जितना श्लोक याद कर सकें उस पर याद करें, बहुत ईजी है। एक बार आपको उसका मतलब समझ आ जाए ना, तो वो एक एक लैंग्वेज है। आपको हिंदी बोलने में तकलीफ होती है क्या? नहीं। तो वैसे ही अगर आप एक बार संस्कृत को अपने हैबिट में डाल लेंगे, तो आपको उसमें भी तकलीफ नहीं होगी। तो रोगों के भेद या प्रकार, निज आगंतुक विभागीन तत्र रोगा द्विधा स्मता, मतलब रोगों के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं, निज रोग और आगंतुक रोग, आगंतुक रोग। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रोग कितने दो टाइप के, एक तो जो संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं, मतलब जो हमें दूसरों से फैलते हैं, जो हमें बिन बिन किसी और से फैलते नहीं हैं। तो उसी तरह आयुर्वेद में भी दो टाइप दिए हुए हैं, रोग के निज रोग और आगंतुक रोग। निज का मतलब क्या होता है, स्वयं स्वयं के द्वारा जो रोग उत्पन्न हुए उसे निज रोग बोलते हैं। तो स्वयं के द्वारा उत्पन्न रोग कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में किससे बना हुआ है, वात से और धातुओं से। अगर उनमें विषमता उत्पन्न हुई, क्षय वृद्धि हुई, तो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो निज रोग होते हैं, ठीक है। आगंतुक रोग मतलब जैसे बाहरी कारणों से अगर कोई रोग होगा तो उसे आगंतुक रोग बोलेंगे। जैसे कि किसी ने हमें पत्थर मारा तो हमें चोट लगी, किसी ने हमें तलवार या किसी चीज़ से मारा तो हमें उससे चोट लग गई, या किसी जीव ने हमें काट दिया उसकी वजह से हमें चोट लगी, या बहुत गर्मी है वातावरण में, बहुत सर्दी है उसकी वजह से हमें चोट लगी, तो ये सब क्या है, आग से जल गए, तो ये सब क्या आगंतुक रोग हैं, ये सब किसी बाहर कारणों से हो रहे हैं हमें। तो इस प्रकार आगंतुक रोग और निज रोग दो प्रकारों के रोग अधिष्ठान। अब रोग होते कहाँ हैं, हमने पढ़ लिया रोग रोग होता, रोग आरोग्य होता क्या, रोग के प्रकार कितने हैं। अब रोग अधिष्ठान, रोग होते कहाँ हैं, तो ये तो ईजी है। रोग तेषां काय मनो भेदा अधिष्ठानम अपि द्विधा, मतलब रोग के दो प्रकार, दो अधिष्ठान है, एक काय और एक मन। इसमें काय लिखा है और यहाँ मन, काय मनो भेदा, मतलब काय का मतलब आप पता है, काय मतलब बॉडी शरीर, और मन मतलब मन हमारा मेंटली, जो हमें फिजिकली एक तो डिजीज होंगे और एक मेंटल मेंटल लेवल पर होंगे। तो अब जो काय लेवल, जो बॉडी डिजीज होते हैं, जैसे कि हमें कोई फीवर हुआ, कोई हमें कोई और बीमारी हुई, डिसीज कोई भी हुई, तो वो हमें किस लेवल पे होगी, बॉडी लेवल पे, जैसे खांसी हुई, अस्थमा हुआ, अर्थराइटिस हुआ, कोई पीलिया हुआ, ये सब हमें कहाँ होगा, बॉडी लेवल पे। लेकिन मानसिक लेवल पे कौन से रोग होते हैं, हाँ जैसे कि हमें डिप्रेशन, मूर्छा, ठीक है, बहुत एडिक्शन हुआ किसी चीज़ का, बहुत गुस्सा, एंगर इश्यूज, ये सब क्या है, मानसिक रोग हैं। मैंने आपको बताया था रजतम मानसिक दोष होते हैं, और उनकी वृद्धि से जो डिसीज होंगी ना, वो मानसिक रोग होंगी। तो दो दो तरह के रोग अधिष्ठान होते हैं, काय और एक मन। और इसके बाद मानसिक दोषों का परिचय। अब मानसिक दोष, मैंने आपको पहले एक बार जब दोष का बारे में चर्चा की थी, तब मैंने आपको मानसिक दोषों के बारे में बताया था कि हम अगर कोई हमसे पूछे दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो हम दोष 3 प्रकार के नहीं बोले, हमें बोलना है दोष 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक वो शारीरिक दोष और मानसिक दोष। फिर शारीरिक दोष के 3 भेद हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष के 2 भेद हैं, रज तम, ठीक है। तो मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम।
रज क्या होता है? रज राग या आसक्ति, जिस जिसके कारण होती है, मतलब उसे रज बोलते हैं। आसक्ति किसी एडिक्शन है, किसी बहुत मोह है, मतलब या गुस्सा है, ये सब किसकी वजह से होता है? रज की वजह से। तम क्या है? एकदम निष्क्रियता, आलस, और ये जो मन में जो उतनी शोक की भावना होती है वो तम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रज का ये भी बोल सकते हैं एडिक्शन, किसी चीज़ की पर बहुत इच्छा होना। तो क्या, अगर अगर कम मात्रा में रज और तम हमारे शरीर में है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर उनकी वृद्धि हुई तो वो हमारे लिए रोग का कारण बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा शरीर का 3 दोषों से बना हुआ है, वात पित्त कफ से। अगर ये सम अवस्था में है तो शरीर को धारण करें, शरीर में आरोग्यता उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर ये विषम अवस्था में हुई तो यही शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। तो उसी प्रकार अगर हमें पता है, आयुर्वेद में 3 गुण बोले गए हैं। 3 गुण किसको बोला गया? रज, तम और सत्व। इनसे ही संपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब आप षष्ठी उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको इसमें आएगा रज और तम और सत्व, ये 3 षष्ठी उत्पत्ति का कारण हुए। दुनिया दुनिया इतनी की वजह से उत्पन्न हुई। तो अगर ये सम अवस्था में है तो ये हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन अगर ये विषम अवस्था में हो गए तो हमारे लिए हानिकारक है। तो आप जब पढ़ते हो गुण तो आप बोलते हो कि रज, तम, सत्व, ये 3 गुण हो गए, लेकिन हम दोष पढ़ते हैं तब तो बोलते हैं सिर्फ रज और तम। ये सत्व को क्यों नहीं बोलते? सत्व को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सत्व कोई भी दोष नहीं है। सत्व क्या होता है? सत्व मतलब पवित्रता, सत्व मतलब अच्छा आचरण, अच्छा सच्चाई, सच बोलना, किसी की सेवा करना, ये सब सत्व के वो गुण होते हैं। तो ये गुण कोई दोष तो नहीं हुए? आप सच बोल रहे हो, ये कोई दोष है क्या? आप किसी पूजा पाठ कर रहे हो, ये कोई दोष है क्या? आप सफाई रखते हो अपने आसपास, ये कोई दोष है क्या? नहीं। तो सत्व कोई दोष नहीं होता, सत्व गुण में आता है, इसलिए रज और तम को ही दोष बोला गया।